दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कामयाब कदम चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को ताकि आप सभी लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कामयाब कदम पर। आज हम आपको बताएंगे सफल लोगों की 7 आदतों के बारे में। यह सारी चीज़ें द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल या अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें जो कि स्टेफन रिचर्ड कोवे द्वारा लिखी गई है से ली गई है। तो होता है कि आपकी ज़िंदगी बस यूं ही नहीं घट जाती, चाहे आप जानते हो या नहीं, ये आपके द्वारा ही डिजाइन की जाती है। आखिरकार आप ही अपने विकल्प चुनते हैं, आप खुशियाँ चुनते हैं, आप दुख चुनते हैं, आप निश्चितता चुनते हैं, आप अपनी अनिश्चितता चुनते हैं, आप अपनी ही सफलता चुनते हैं, आप अपनी ही असफलता चुनते हैं, आप साहस चुनते हैं, आप डर चुनते हैं। इतना याद रखें कि हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति आपको एक नया विकल्प देती है, और ऐसे में आपके पास हमेशा ये मौका होता है कि आप चीज़ों को अलग तरीके से देखें, अलग तरीके से करें और अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करें। दोस्तों हर एक सफल व्यक्ति में एक पहला हैबिट होता है कि प्रोएक्टिव बनना। प्रोएक्टिव बनने का मतलब होता है कि अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार बनना। आप हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। प्रोएक्टिव लोग इस बात को समझते हैं कि वे रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अपने आचरण के लिए जेनेटिक्स, परिस्थितियों या विशेष परिवेश को दोष नहीं देते। उन्हें पता होता है कि वो अपना व्यवहार खुद चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो ज़्यादातर अपने भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। वो अपने बिहेवियर के लिए बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें अच्छा लगता है, अगर नहीं तो यह उनके अच्छी और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और वो बस मौसम को दोष देते हैं। सभी बाहरी ताकतों एक उत्तेजना की तरह काम करते हैं जिन पर हम रिएक्ट करते हैं। इसी उत्तेजना और आप उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं के बीच में आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है, और वो होती है इस बात की स्वतंत्रता कि आप अपनी प्रतिक्रिया का चयन स्वयं कर सकते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं। आप जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति प्रोएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है, जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा इत्यादि, और एक रिएक्टिव व्यक्ति रिएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है, जैसे मैं नहीं कर सकता, काश अगर ऐसा होता तो। रिएक्टिव लोग सोचते हैं कि वो जो कहते हैं और करते हैं उनके लिए खुद जिम्मेदार नहीं, उनके पास कोई विकल्प नहीं। ऐसी परिस्थितियाँ जिन पर बिल्कुल भी या थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जाता है उस पर रिएक्ट या चिंता करने के बजाय प्रोएक्टिव लोग अपना टाइम और एनर्जी ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जिनको वो कंट्रोल कर सकें। हमारे सामने जो भी समस्याएं, चुनौतियां या अवसर होते हैं उन्हें हम दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं, चिंता का क्षेत्र और दूसरा प्रभाव का क्षेत्र। प्रोएक्टिव लोग अपना प्रयत्न सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस या प्रभाव का क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं जिनके बारे में वो कुछ कर सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य, बच्चे, कार्य क्षेत्र की समस्याएं। रिएक्टिव लोग अपना प्रयत्न चिंता के क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं, जैसे देश पर परेड, आतंकवाद, मौसम। इस बात की जानकारी होना कि हम अपनी एनर्जी किन चीज़ों में खर्च करते हैं प्रोएक्टिव बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सफल लोगों की दूसरी बड़ी हैबिट है बिगिन विद द इन इन द माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? शायद यह सवाल थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन आप इसके बारे में एक क्षण सोच लीजिए। क्या आप अभी वो हैं जो आप बनना चाहते थे, जिसका सपना आपने देखा था? क्या आप वो कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे? ईमानदारी से सोचिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद को ऐसी जीत हासिल करते हुए देखते हैं जो दरअसल खोखली होती है, ऐसी सफलता जिसके बदले में उससे कहीं बड़ी चीज़ों को गंवाना पड़ा। यदि आपकी सीढ़ी सही दीवार पर नहीं लगी तो आप जो भी कदम उठाते हैं वो आपको गलत जगह पर लेकर जाता है। हैबिट 2 आपको इमेजिनेशन या कल्पना पर आधारित है। इमेजिनेशन यानी आपकी वो क्षमता
जो आपको अपने दिमाग में उन चीज़ों को दिखा सके जो आप अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर एक चीज़ का निर्माण दो बार होता है, पहला मेंटल क्रिएशन और दूसरा फिजिकल क्रिएशन। जिस तरह ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद मकान बनता है, उसी प्रकार मेंटल क्रिएशन होने के बाद ही फिजिकल क्रिएशन होती है। अगर आप खुद विजुअलाइज नहीं करते कि आप क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ कैसी होगी इस बात का फैसला औरों पर और परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं। हैबिट दो इस बारे में है कि आप किस तरह से अपनी विशेषता को पहचानते हैं और फिर अपनी पर्सनल मोरल और एथिकल गाइडलाइंस के अंदर खुद को खुद रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं और पूर्ण कर सकते हैं। अंत को ध्यान में रखकर कार्य आरंभ करने का अर्थ है हर दिन काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत एक क्लियर विजन के साथ करना कि हमारी क्या दिशा और क्या मंजिल होनी चाहिए, और फिर प्रोएक्टिवली उस काम को पूर्ण करने में लग जाना। हैबिट दो को प्रैक्टिस में लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। इसका फोकस इस बात पर होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। ये सक्सेस के लिए की गई आपकी प्लानिंग है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि आप कौन हैं, आपके गोल्स को फोकस में रखता है और आपके आइडियाज़ को इस दुनिया में लाता है। आपका मिशन स्टेटमेंट आपको अपनी ज़िंदगी का लीडर बनाता है। आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं और जो आपने सपने देखे हैं उन्हें साकार करते हैं। सफलों की तीसरी अच्छी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अर्थात प्राथमिक चीज़ों को वरीयता दें। एक बैलेंस टाइप जीने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप इस ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं कर सकते। खुद को अपनी क्षमता से अधिक कामों में व्यस्त करने की ज़रूरत नहीं है। जब जरूरी हो तो ना कहने में मत हिचकिचाइए और भी अपनी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज पर फोकस कीजिए। हैबिट एक कहती है कि आप इंचार्ज हैं, आप क्रिएटर हैं। प्रोएक्टिव होना आपकी अपनी चॉइस है। हैबिट दो अपने पहले चीज़ों को दिमाग में विजुलाइज करने के बारे में, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना विजन से संबंधित है। हैबिट तीन दूसरी क्रिएशन यानी फिजिकल क्रिएशन के बारे में है। इस हैबिट में हैबिट एक और हैबिट दो का समागम होता है और यह हर समय हर क्षण होता है। यह टाइम मैनेजर से रिलेटेड कई प्रश्नों से डील करता है, लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं है। हैबिट तीन लाइफ मैनेजमेंट के बारे में है। आपका पर्पस, वैल्यूज, रोल, प्रायोरिटीज, वैसे प्राथमिक चीज़ें क्या हैं? प्राथमिक चीज़ें वह हैं जिसको आप व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। प्राथमिक कार्यों को प्रायोरिटी देने का मतलब यह है कि आप अपना समय अपने ऊर्जा हैबिट दो में अपने द्वारा सेट की गई प्रायोरिटीज पर लगा रहे हैं। सफलों की चौथी महत्वपूर्ण हैबिट है थिंक विन विन सिचुएशन, हमेशा जीत के बारे में सोच रहे हैं। थिंक विन विन अच्छा होने के बारे में है, ना ही यह कोई शॉर्टकट है। यह कैरेक्टर पर आधारित एक कोड है जो आपको बाकी लोगों से इंटरेक्ट और सहयोग करने के लिए होता है। हम में से ज़्यादातर लोग अपना मूल्यांकन दूसरों से कंपैरिजन और कंपटीशन के आधार पर करते हैं। हम अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं, यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे, तुम जीते तो मैं हारा। इस तरह लाइफ एक जीरो सम गेम बन जाती है, मानो एक ही रोटी हो और दूसरा बड़ा हिस्सा ले लेता है। सोचते हैं कि मुझे कम मिलेगा और मेरी कोशिश होगी कि दूसरा अधिक ना पाए। हम सभी ये गेम खेलते हैं, लेकिन आप भी सोचिए कि इसमें कितना मजा है। विन विन जिंदगी को ऑपरेशन की तरह देखती है, कंपटीशन की तरह नहीं। विन विन दिन और दिमाग की ऐसी स्थिति है जो हमें लगातार सभी का हित सोचने के लिए प्रेरित करती है। विन विन का अर्थ है ऐसे समझौते और समाधान जो सभी के लिए लाभप्रद और संतोषजनक हैं। इसमें सभी को खाने को मिलते हैं और वो भी सबको अच्छा टेस्ट करती है। एक व्यक्ति या संगठन जो विन विन के एटीट्यूड के साथ समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है, उसके अंदर तीन मुख्य बातें होती हैं। पहला, वफादारी या इंटीग्रिटी, अपने वैल्यूज, कमिटमेंट्स और फीलिंग के साथ समझौता न करना। दूसरा, मैच्योरिटी, परिपक्वता, अपने आइडियाज और फीलिंग को साहस के साथ दूसरों के सामने रखना और दूसरों के विचारों और भावनाओं की भी कदर करना। और तीसरा है प्रचुरता की मानसिकता या एबंडेंस मेंटालिटी, इस बात में यकीन रखना कि सभी के लिए बहुत कुछ है। बहुत लोग आइदर आर के टर्म में सोचते हैं, या तो आप अच्छे हैं या आप सख्त हैं। विन विन में दोनों की आवश्यकता होती है। यह साहस और सूझबूझ के बीच बैलेंस करने जैसा है। विन विन को अपनाने के लिए आपको सिर्फ सहानुभूति ही नहीं
बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज भी होना होगा। आपको सिर्फ विचारशील और संवेदनशील ही नहीं बल्कि बहादुर भी होना होगा। ऐसा करना कि कवरेज और कंसंट्रेशन में बैलेंस स्थापित हो जाए, यही रिचुअल रियल मैच्योरिटी है और विन विन के लिए बेहद जरूरी है। पांचवा हैबिट है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले दूसरों को समझो फिर अपनी बात समझाओ। कम्युनिकेशन लाइफ की सबसे जरूरी स्किल है। आप अपने कई साल पढ़ना लिखना और बोलना सीखने में लगाते हैं, लेकिन सुनने का क्या? आपको ऐसी कौन सी ट्रेनिंग मिली है जो आपको दूसरों को सुनना सिखाती है ताकि आप सामने वालों को सचमुच अच्छे से सुन सकें? अगर आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं तो शायद आप भी पहले खुद अपनी बात को समझाना चाहते होंगे, और ऐसा करने में आप दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। ऐसा दिखाते होंगे कि आप सुन रहे हैं, पर दरअसल आप बस शब्दों को सुनते हैं पर उनके असली मतलब को पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग इस इंटेंशन के साथ सुनते हैं कि उन्हें रिप्लाई करना है, समझना नहीं है। आप अंदर ही अंदर खुद को सुनते हैं और तैयारी करते हैं कि आपको आगे क्या कहना है, क्या सवाल पूछ रहे हैं इत्यादि। आप जो कुछ भी सुनते हैं वह आपके लाइफ एक्सपीरियंस से क्षण क्षण कर आप तक पहुँचता है। आप जो सुनते हैं उसे अपनी आत्मकथा से तुलना कर देखते हैं कि सही है या गलत, और इस वजह से आप दूसरे की बात खत्म होने से पहले ही अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि अगला क्या कहना चाहता है। क्या ये बातें कुछ समय से लगते हैं? अरे मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगा था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसे होते मैंने क्या किया था। क्योंकि आप अपने जीवन के अनुभवों के हिसाब से ही दूसरों को सुनते हैं, आप इन चारों में से किसी एक तरीके से जवाब देते हैं। इवैल्यूएटिंग या मूल्यांकन करना, पहले आप जज करते हैं उसके बाद सहमत या असहमत होते हैं। प्रोबिंग या जांच करना, आप अपने हिसाब से सवाल जवाब करते हैं। एडवाइजिंग या सलाह देना, आप सलाह देते हैं और उपास हो जाते हैं। इंटरप्रेटिंग व्याख्या करना, आप दूसरों के मकसद और व्यवहार को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एनालाइज करते हैं। शायद आप सोच रहे हों कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी से रिलेट करने में बुरा ही क्या है। कुछ सिचुएशन में ऐसा करना उचित हो सकता है, जैसे कि जब आपके पास अनुभवों के आधार पर कुछ बताने के लिए कहें, जैसे कि जब आपसे आपके अनुभवों के आधार पर कुछ बताने के लिए कहें, जब आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप हो, पर हमेशा ऐसा करना उचित नहीं है। छठे नंबर का हैबिट है सिनर्जाइज, तालमेल बैठाना। सरल शब्दों में समझें तो दो दिमाग एक से बेहतर है। सिनर्जाइज करने का अर्थ है रचनात्मक सही देना। यह टीम वर्क है, यह पूरे दिमाग से पुरानी समस्याओं के नए निदान है, पर यह यूं ही बस अपने आप ही नहीं हो जाता। यह एक प्रोसेस है और उसी प्रोसेस से लोग अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज को उपयोग में ला पाते हैं। अकेले क्या अच्छा, एक साथ कहीं अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। सिनर्जी से हम एक साथ ऐसा बहुत कुछ खोज कर पाते हैं जो अकेले खोजने के साथ ही कभी मिलता है। जब लोग आपस में ईमानदारी से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होने के लिए खुले होते हैं, तब उन्हें नई नई जानकारियाँ मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। आपस में मतभेद या साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस नए तरीकों के आविष्कारों की क्षमता कई गुना बढ़ाती है। मतभेदों को महत्व देना सिनर्जी का मूल है। क्या आप सचमुच लोगों के बीच जो मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं उन्हें महत्व देते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि सभी लोग आपकी बात मान जाएं ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सकें? कई लोग एकरूपता को एकता समझ लेते हैं। आपसी मतभेदों को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ के रूप में देखना चाहिए, वो हमारे जीवन में उत्साह भरते हैं। सफल लोगों की सातवीं हैबिट है सरपंच दशा, यानी कुल्हाड़ी को तेज करना। सरपंच दशा का मतलब है अपने सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को सुरक्षित रखना। इसका अर्थ है कि अपने लिए प्रोग्राम डिजाइन करना जो आपके जीवन के चार क्षेत्रों, फिजिकल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल में आपका नवीनीकरण करे। उदाहरण के लिए फिजिकल, अच्छा खाना, व्यायाम करना, आराम करना। सोशल, सामाजिक या भावनात्मक, औरों के साथ सामाजिक और अर्थपूर्ण संबंध बनाना। मेंटल या मानसिक, पढ़ना लिखना, सीखना और सिखाना। आध्यात्मिक, प्रकृति के साथ समय बिताना, ध्यान करना, सेवा करना। आप जैसे जैसे हर एक क्षेत्र में खुद को सुधारेंगे, आप अपने जीवन में प्रगति और बदलाव लाएंगे। सरपंच दशा आपको फ्रेश रखता है ताकि आप बाकी की छः हैबिट को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ऐसा करने से आप चैलेंजेस फेस करने की अपनी क्षमता को बढ़ा देते हैं।
बिना ऐसा किए आपका शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, आपकी मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है, भावनाएं ठंडी पड़ जाती है, स्वभाव असंवेदनशील हो जाता है और इंसान स्वार्थी हो जाता है, और यह एक अच्छी तस्वीर नहीं है। आप अच्छा फील करें ऐसा अपने आप नहीं होता। एक बैलेंस लाइफ जीने का अर्थ है खुद को रिन्यू करने के लिए जरूरी वक्त निकालना। ये सब आपके ऊपर है, आप खुद को आराम करके रिन्यू कर सकते हैं या हर काम अधिक कर खुद को जला सकते हैं। आप खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली प्यार कर सकते हैं या फिर अपने वेलबींग से बेखबर यूं ही जिंदगी जीता सकते हैं। आप अपने अंदर जीव ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं या फिर टाल मटोल कर अच्छे स्वास्थ्य और व्यायाम के फायदे को खोज सकते हैं। आप खुद को पुनर्जीवित कर सकते हैं और एक दिन का स्वागत शांति या सद्भाव के साथ कर सकते हैं, या फिर आप उदासी के साथ उठकर दिन के को गुजरते दे सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि हर दिन आप खुद को रिन्यू करने का नया अवसर देता है, अवसर देता है खुद को रिचार्ज करने का। बस जरूरत है डिजायर, नॉलेज और स्किल। तो यह थी सफल व्यक्तियों के साथ हैबिट, इसे द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे स्टीफन रिचर्ड कोवी द्वारा लिखी गई है, चली गई थी। उम्मीद है आपको यह अच्छा लगा होगा। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल कामयाब कदम को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, बस टाइप कीजिए fb.com/कामयाब कदम।